मैं इस्तेमुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के दारुल सलाम मस्जिद पर और आपको बता दें कि आज ईद का पर्व पूरे देश में बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा शहर में भी ईद का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। इस समय दारुल सलाम मस्जिद पर जब ईद की नमाज अदा की जा रही थी, आप देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाया गया था। यहाँ पर दारुल सलाम मस्जिद पर खुद डीसीपी अंबूरे साहब यहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह से मुंब्रा शहर में जहाँ जहाँ भी ईद की नमाज अदा की गई, इसी तरह से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाया गया था। दारुल सलाम मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद जो लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे, पुलिस प्रशासन के तरफ से उन्हें गुलाब का फूल देकर ईद का शुक्रिया अदा किया गया। इसी तरह से आज 3 मई है, ईद का दिन है, और कल 4 मई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात बने हुए, इसको लेकर डीसीपी अंबूरे साहब ने खुद कहा है कि मुंब्रा में जो है किसी भी तरह की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पर डीसीपी अंबूरे साहब ने ऐसी बातें कही है। और ईद के मौके पर भी लोगों को क्या संदेश दिया है डीसीपी अंबूरे साहब, और जो लोग आज ईद की नमाज अदा किए उन लोगों ने भी क्या संदेश दिया है, आपको सुनाते हैं। सर, आज ईद के मौके पर पुलिस की तरफ से जो नमाजी आए थे यहाँ पर, उन्हें गुलाब का फूल दिया गया, खुशी का इजहार किया गया, खुशी का दिन भी है, क्या कहते हैं? मैं आज सभी मुंब्रा वासियों को, सभी मेरे मुंब्रा के भाइयों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। सभी लोगों को आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत ही इतने पूरा रमजान तो महीना था, पूरा इतना रोजे रखे गए थे, इन्होंने सब बहुत ही अमन और शांति से इन्होंने कुछ भी पूरे एक महीने भर में पूरा जो रमजान का महीना था बहुत ही शांति से चला गया। और जो आज का आने वाला आज का जो ईद का जो त्यौहार है बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। मैं खासकर मुंब्रा के जो पूरे शहरवासी है उनको सबको ईद मुबारक पेश करता हूं और सबको उनको उनके आने वाले जो साल है उनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कल जिस तरह से 4 तारीख है तो मुंब्रा शहर को लेकर किस तरह का पुलिस का बंदोबस्त? पुलिस का बंदोबस्त हमारे जो सीनियर PI है और हमारा जो फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है। हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए तैयार है। मतीन भाई, आज ईद का दिन है, बड़ी संख्या में लोगों ने दारुल सलाम मस्जिद पर नमाज अदा की है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद की नमाज ईद उल फित्र की अदा हुई है पूरे मुंब्रा शहर में, और पिछले 2 साल से ये मौका नहीं मिल रहा था लोगों को, इसके लिए बहुत खुशी के साथ और बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुंब्रा कौसा के अंदर सभी मस्जिद के अंदर आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। इसीलिए मैं भी मेरी तरफ से पूरे मुंब्रा वासियों को, पूरे देशवासियों को आपके जरिए से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुल्क के अमन अमान के लिए क्या? मुल्क के अमन अमान के लिए भी दुआ गो है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे महाराष्ट्र को खासतौर पर अमन और शांति का गहवारा बनाए। हमारे यहाँ अमन हो, शांति हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से ईद की नमाज हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और सबने बहुत अच्छा इंतजाम किया यहाँ पर, अल्लाह का शुक्र उसका एहसान, और बहुत पीसफुली नमाज हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और पुलिस ने काफी कोऑपरेट किया और सबको फूल बांटे, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इस तरह से हमारी एकता बनी रही उम्र की, ये चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।